श्री राधे, जय राधे, जय श्री श्याम, श्री राधे। श्री चरणों में नमामि, नमस्कार, राम राम साहब। श्रोता जो आपके समक्ष में सभी कलाकार बारी बारी से आकर के बड़ी ही सुंदर सुंदर बातें बताते हुए जा रहे हैं। आपके समक्ष में तीसरा दौर जारी है और कवि चार लाइनों में लिख रहा है भैया चार साहब। एक धूप में काम करे बड़ो भारी, चतुर नार, चतुर नार बेटा तू तरसे, और ये भूवरिया जन जन के हार, और शेष करे सुमेर डरे पर मेरे बाबा मेरे भैया यहां कर्म की लिखी डरे नए। महान बाबा समय कम है, सीधा प्रसारण प्रसंग की तरफ चलते हैं लेकर के। प्रसन्न भैये जो आपके बीच में मैंने अपने नंबर पर छोड़ा था, आज वो दुर्योधन अपनी सेना को लेकर के वन में पहुंच गया है। कम्यक वन जिसका नाम है, उसी बियाबान जंगल में पहुंचा। उस बियाबान जंगल में दुर्योधन ने नजारा देखा है, करिश्मा देखा है, और भैया वो नजारा वो करिश्मा कैसा है चाहर साहब? और जाने किसी और धूप गजब का रही ताल में, और रही ताल में, और नहाए फेंक रही एक दूजे पे पानी। और कोयल के सबे न कटीले हो,
ऐसे, हंस जाए ऐसे, हंस जाए ऐसे, लगे बिखर जाए जो मौत की माला। हंस जाए ऐसे, लगे बिखर जाए जो मौत की माला। और चाहर साहब कवि कह रहा बड़े सुंदर शब्दों में भैया, अरे गोरी हो पत्रकार नारते याते, अरे गोरी हो पत्रकार नारते। और ये 1100 रुपए का सम्मान आदरणीय मेरे बड़े भाई गोपिंद चाहर प्रधान जी जो इतना नगर से पधारे, और यहां ही नहीं जहां भी ये पहुंचते कमेटी का भी सम्मान रखते हैं, प्रत्येक कलाकार का सम्मान करते हैं। और एक बार मैं चाहूंगी कि आज भैया का सम्मान ये सरदारी करे जोरदार तालियों से। कहां अरे गोरी हो हा, गोरी हो पत्रकार नारते, काली काली सच्ची हो गरीब घर की बच्ची हो, पर चाल चलन की अच्छी हो। और 100 रुपए का सम्मान नामे भूल गई त्यारे, सन्नी भैया दे रहे आशीर्वाद की कामना करूंगी। 51 रुपए का सम्मान चाचा जी की तरफ से आया है, आशीर्वाद की कामना करते रहेंगे हमेशा। चाह साहब कभी ने कहा भैया क्या याद चार साहब जवाब नहीं है तुम्हारा, अरे राजा रक्त कुसुम राखे शमशान सी को कहते हैं, पार लगा दे पार लगा दे पार लगा दे नैया को भगवान उसी को कहते हैं। जाए वहां पर उसने राजा गंधर्व भूप की रानियों को देखा है, अर्थ में जवाब दिया कि रूप देख के रानी को देखो शांति को दान दो कल ते फड़सन पाई गायरियों में, कि रूप देख के रानी को और दुर्योधन चक्कर खाए गयो और कौरव दल को देख के याकू अभिमान एकदम आ गया, क्या खोल की लत्ता घुसो ताल में जाके ठाड़े पीर कके, और भैया नारिन ते कर रहे हासी। आज जवाब दे रहा है चौक में भैया चाहर साहब क्या जाके लाल सुरख भैलना, जाके लाल सुरख भैलना, हो लाया
खेच के लायो तो ये तेरा काल खेच के लायो। सजना समय मेरा समापन की ओर है, शायद कमेटी को कोई ध्यान नहीं है भैया, गवैया किल्ला किल्ला के मर जाओ चलो। हमारा भैया करम है, गाने के लिए आएंगे गाएंगे भैया, तैयारो गांव में तो मानोगे तो हो नहीं। आइए जो श्रोता सुन रहे हैं, मैं भी उनसे ही कह रही हूं भैया समय मेरा समापन की ओर है, गाना सुनिए। गाना उस वक्त का है चाचा जी, जिस समय असम मेघ यज्ञ की तैयारियां हो गई, अवधपुरी में खुशी का माहौल है, तो ऋषि मुनियों ने भगवान रामचंद्र जी से कहा, महाराज अश्व मेघ की तैयारियां चल रही हैं और इस यज्ञ में माता जानकी की जरूरत पड़ेगी। तो जानकी मैया तो अवधपुरी में उपस्थित नहीं थी, भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी से कहा, हनुमान आप जाइए और इस यज्ञ में जानकी की जरूरत है, उनको वापस ले आइए। हनुमान माता जानकी के पास पहुंचे, पूरा प्रस्ताव सुनाया है, तो मैया जानकी ने रो करके एक बात हनुमान जी से कही है, भैया चाहर साहब सुनिए। सीता पर उंगली उठी श्री राम ने देखा कर्म नहीं, और कांटों पर नंगे पांव चली फिर भी छोड़ा पति धर नहीं। कहा भैया कि दोष लगा जिस अवध में मुझ पर, हे और दोष लगा जिस अवध में मुझ पर, मैं ना उस अवध में जाऊंगी और धरती में से, इस धरती में से निकल के आई मैं तो, और धरती बीच समाऊंगी। ये माता जानकी के शब्द हैं चाचा जी, और बंबई वाले बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि चंद सांसों का और खेल है सारा, हर इंसान है पानी कोई ना जाने, ये गहरा ये मौत किसे कब आनी, ये मौत किसे कब आनी, लेकिन ये है मौत का कहना, हाँ लेकिन ये है मौत का कहना, मैं पल दो पल में आऊंगी और रहूंगी मैं नजरों के सामने, वो फिर भी नजर ना आऊंगी फिर भी।
माता जानकी ने कहा, वह सुनिए हनुमान, मैंने भगवान रामचंद्र को अपना पति नहीं सिर्फ भगवान माना था और कहा भैया क्या और मान के पति को मान के पति को ही परमेश्वर मैंने पूजा की है भैया। हाय हे मान को पति को मान के पति को ही परमेश्वर मैंने पूजा की है और बदले में अपने दामन पर ये बदनामी ली है। और ये स्वर्ग का सम्मान आदरणीय चाचा जी, का नाम बताया साहब? तुलाराम चाचा जी दे रहे हैं 51 रुपए का सम्मान आदरणीय भैया हमारे लिए दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करती हूँ हमेशा। कहा मान के पति तो ही परमेश्वर मैंने पूजा की है और बदले में अपने दामन पर ये बदनामी रखोगे मुझको हो फिर भी याद रखोगे मुझको मैं ऐसा तो वचन निभाऊंगी हो धरती में से निकल के आई मैं तो हो धरती बीच सुनिए हनुमान क्या साथ दिया हर साथ दिया मैंने हर सुख दुख में साथ कभी ना छोड़ा भैया साथ दिया सुख दुख में ए साथ कभी ना छोड़ा और एक धोबी के कहने से तुमने मुझसे नाता तोड़ा हो एक धोबी तुमने मुझसे नाता तोड़ा हाय मुझसे नाता तोड़ा लेकिन इस रिश्ते को भी मैं है लेकिन इस रिश्ते को भी जन्मों जन्मों निभाऊंगी धरती में से निकल के आई और मैं धरती भी